3, 2, 1, let's go. Hello, Assalamualaikum. My name is Mohammed Bilal. You're watching I am Bilal. Aaj hum baat karenge past. The thing is ke we all have a past. ठीक है, बिकॉज एक वक्त पर आके हम सारे बशर हैं. गलती छोटी हो या बड़ी हो, गलती हम सब ने की भी है. इंटेंशनल और इंटेंशनल हो, इंसान की मैकेनिज्म है. वो एक ऐसी खसूसियत जिससे इंसान उजागर होगा वो होगी गलती. वो लव नहीं होंगे, वो इमोशंस नहीं होंगे, वो होगी वो गलती. गलती क्यों? क्योंकि गलती इसलिए कि उसको फ्री विल मिली हुई है, ठीक है, और फिर भी गलती करता है. द होल पॉइंट ऑफ फ्री विल इज के उसकी जान बूझ के वो फिर भी गलती करता है, ठीक है ना. वरना फ्री विल हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना. फिर गलती का कॉन्सेप्ट देता, फ्री विल अगर ख़त्म हो जाएगी तो फिर गलती का कॉन्सेप्ट देता. फिर तो ऐसी क्या भाई, हूँ ही ऐसा, ठीक है ना. फ्री विल है तभी गलती का कॉन्सेप्ट है. तो ठीक है, इसके व्हाट आई नो इज फॉर अ फैक्ट के मोस्ट ऑफ टीनेजर्स हैव समथिंग. कोई बुरा इंसिडेंट उनके साथ हुआ, इसमें वो विक्टिम हो या जिन्होंने या उन्होंने कोई किया हो, ठीक है ना, या कोई ऐसी बुरी हरकत हो, आदत हो, या कोई बुरी चीज़ हो गई हो गलती से, इंटेंशनली अनइंटेंशनली. द थिंग इज के द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड मूविंग ऑन फ्रॉम योर पास्ट इज एक्सेप्टिंग इट. ये चीज़ जितनी आसान लगे सुनने में उतनी ही मुश्किल है. कभी भी आप पन्ना खोलोगे अपनी उस किताब का, लेकिन उसको कभी पढ़ नहीं पाओगे. आप पढ़ोगे बिना तो आप उससे फिर कभी छोड़ नहीं, ख़त्म नहीं कर, रोक नहीं पाओगे. क्यों? वो ऐसा पन्ना है किताब का जिसको ना आप पढ़ सकते हो ना आप बंद कर सकते हो. द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू एक्सेप्ट, ठीक है ना. यू नीड टू एक्सेप्ट, यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई जो कुछ भी हुआ है, चाहे उसमें मेरी गलती हो या ना हो, I am responsible for my whole life. अब मैं ये नहीं कह रहा इससे मतलब ये ना लेना, और इसका मतलब ये नहीं है कि you are responsible for what anyone did to you if that was bad. इसका मतलब ये है कि उसने बुरा कर दिया, अब आप जिंदा हो, आपका दिमाग चल रहा है, अब आप क्या करोगे? या तो बदला लोगे या फिर माफ़ करोगे. There is no third way. मजे की बात ये, बदला लेना अक्सर लोगों के उसमें होता नहीं है, ability में, ठीक है ना. कुछ लोगों की स्ट्रेंथ की वजह से या वैसे ही, और कुछ लोगों के दिल नरम होते हैं, वो कहते हैं बदला क्या ले यार, लेकिन वो अपने आप को माफ़ और वो भी नहीं कर, एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते इस बात को. तो रूल नंबर वन इज एक्सेप्टिंग कि भाई एक्सेप्ट करना, हाँ मैंने की है, मुझसे ये हुआ है. रूल नंबर टू इज फॉरगिविंग योरसेल्फ, ठीक है. फॉरगिविंग योरसेल्फ पहले तो, और फिर या अगर आपने किसी का बुरा किया है तो उसके उससे माफ़ी मांगना, या फिर किसी ने आपका बुरा किया तो उसको माफ़ करना. अब मैं आपको सुनाता हूँ एक स्टोरी. थोड़ी वीडियो लंबी हो गई चुकी है ना, मैं ऐसे खुद बता रहा हूँ. एक सहाबी हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका नाम है वाशी बिन हर्ब. पहले वो थे स्लेव कुरैश के, ठीक है ना, क्या कहते हैं, अबू सुफियान के स्लेव थे. और कोई किसी किस्म की इज्जत आपको पता ही था उस ज़माने में नहीं थी स्लेवरी में, मतलब बिल्कुल भी ना, आपको जानवर से ही बदतर समझा जाता था. जंग उहद हुई, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो बड़ा अच्छा था, निशाना बड़ा अच्छा था उनका. वो निशाना मरा, लगा किसको? हज़रत हमज़ा इब्ने मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा, बेस्ट फ्रेंड और द टॉप कंपेनियन थे, ठीक है ना. उन पर लग गया, और उनकी शहादत हो गई. शहादत के बाद उसके बाद ही पूरा एपिसोड हुआ है, ठीक है ना. उनको कलेजा काट के उसका खाया हुआ, अल्लाह रहम कर, अल्लाह माफ़ करे, बहुत अलग हुआ था अल्लाह बिल्ला. अब ये आप सोचो, आपसे आप एज अ पर्सन आपसे ये गलती हो गई, गलती आपकी तो हुई है ना, जो भी हुई है. अब आप सोचो आपकी इस लेवल की गलती हुई हुई है कि भाई आपने रसूल के बेस्ट फ्रेंड, सगे चचा, ब्लड लाइन का शहीद करके उनका जुल्म किया बकायदा. उनकी जिस्म डेड बॉडी शहीद खैर बरता नहीं है, लेकिन उनके जिस्म के साथ भी ज्यादती की हुई है. अब एक सोचो, वो आए नबी सलम के पास, गए हज़रत बिलाल के साथ इस्लाम कबूल कर ले. नबी सलम सबसे पहले क्या कहा कि तुम वाशी हो. अब नबी सलम ने कत्ल नहीं किया उसका, नबी सलम उसको कैसे उड़ाते करते, तुमने मेरे चाचे को मार दिया,
तो फौज यहाँ से क्यों आ गए? चलो रसूल सल्लम बहुत रहीम थे, रसूल सल्लम कतल ना करते, रसूल कहते तुम चले जाओ तुम्हारे से, मैं तुम्हारी तबाही चाहिए मुझे, तुम झूठ बोल रहे हो। रसूल ने किया, रसूल ने कहा कोई मसला नहीं, तुम्हारा इस्लाम कबूल है, तुम्हारी गलतियाँ माफ़ है, हाँ ये है कि तुमने मुझे अभी शक्ल ना दिखाया करो, मुझे ना वो याद आए थे, मुझे पूरा इंसिडेंट्स याद आ जाता है मुझे। ये वाकया बहुत पावरफुल है, ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये वाकया भी ख़त्म नहीं हुआ अभी, उनकी ज़िंदगी जो है ना वाशी बिन हरब की, उनकी पास्ट गलती की वजह से ख़त्म नहीं हुई। क्यों? वही वाशी बिन हरब है जो रसूल सल्लम की ज़ाहरी वफ़ात के बाद, जब बड़े लोगों ने ना झूठे नबियों का दावा करना शुरू कर दिया, ठीक है, उनमें से एक मुसैलबा भी था, चार पांच थे, उनमें से एक मुसैलबा भी था, सबसे ज़्यादा बाय द वे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुसैलबा ही था। मुसैलबा खिलाफ किसने मारा होगा भला? हज़रत वाशी बिन हरब ने, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, वाकया बताने का मकसद दो तीन है। पहली बात तो ये है कि एक बंदे की ज़िंदगी में ना उसका पास्ट इरेलीवेंट हो जाता है जब वो इस मोमेंट पे आता है कि वो रियलाइज़ करे कि यार मुझसे गलती हुई है, उसको एक्सेप्ट करे, अब माफ़ी मांगे, अल्लाह से तौबा करे और अपने आप को भी उस पर कहते कि ठीक है बस हो गया जो हो गया, वो केस क्लोज्ड, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं अगर आपसे गलती हुई है पास्ट में तो आपकी अगली ज़िंदगी भी फारिग है, ठीक है ना। आप सोचो वही वाशी बिन हरब, मतलब क्या लफ्ज़ थे उनके लफ्ज़ थे, जब उन्होंने मारा, जब उन्होंने मारा ना उस जलील को, तो उनके लफ्ज़ थे कि या अल्लाह मेरे इस तीर से सबसे बेतुम में से उनमें से सबसे बेहतरीन भी शहीद हुए हुए हैं और सबसे बदतरीन भी मारा गया है, ठीक है। तो ये बहुत प्यारी कहानी है आप के लिए कि जस्ट बिकॉज कोई पास्ट में गलती हो डज नॉट मीन कि आपकी फ्यूचर में भी वो गलती कंटिन्यू रहेगी। क्या होता है फ्यूचर में अल्लाह ताला ने आपसे कोई उससे डबल अच्छा काम करवाना, तो फॉरगिव योरसेल्फ, एक्सेप्ट द फैक्ट व्हाट हैपेंड टू यू, ठीक है। एक्सेप्ट कि भाई एंड बी ग्रेटफुल कि आपको एट दिस मोमेंट, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको रियलाइज़ हुआ होगा, आपको रियलाइजेशन आ रही है उस गलती की, ठीक है। तो क्या करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, जिसको अगर किसी के साथ बुरा किया उसके साथ माफ़ी मांगो, एंड द केस इज़ क्लोज्ड इंशाल्लाह। और ऐसा क्लोज हुआ कि ये हशर में भी नहीं खुलेगा अगर आप उससे माफ़ी मांग लोगे तो। एंड हुएवर इज़ हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉरगेटिंग देयर पास्ट, उसको ये ज़रूर याद करा देना कि भाई आपने पास्ट को फॉरगेट नहीं करना, आपने एक्सेप्ट करना है, ठीक है। बस बाकी यू कैन बाय माई बुक द सर्टन एंड सर्टन अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट एज वेल एज अमेजोन। बाकी यू कैन सपोर्ट मी ऑन पैट्रियन एंड जैस कैश, और अगर मैं किसी बात पे वन टू वन कोचिंग लेनी है या चाहिए आपको तो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम और यू कैन टेक्स्ट मी इन द नंबर गिवन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।